वेलकम टू माई चैनल कुक एंड टेस्टी। आज हम बनाएंगे अमृतसरी छोले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो इंग्रेडिएंट लेंगे वो ये हैं, अनियन, गार्लिक और अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, दही और छोले मसाले, गरम मसाले और नमक स्वाद अनुसार। हम कुकर में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे तड़के के लिए और फिर हम उसमें खड़े गर्म मसाले को डालेंगे। खड़े गर्म मसाले ये हैं, इसको हम तुरंत डाल के और जो हमने बड़ा बड़ा सब काट रखा है, प्याज और अदरक, मिर्ची और लहसुन, ये हम कुकर में डाल देंगे और 1 सीटी के लिए इसे छोड़ देंगे। 1 सीटी आने के बाद हम इसका प्रेशर खुद से रिलीज करके इसको कुकर को खोल लेंगे। 1 सीटी आ चुकी है, ये देखिए हमारा प्याज पक चुका है। खड़े गर्म मसाले हमने बहुत अच्छे से डाले थे, उसमें सबसे अच्छे से जो हमने डाला था वो 4 से 5 हमारी लौंग थी, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद देखिए हमने इसमें 4 टमाटर, बहुत बड़े टमाटर नहीं थे, छोटे टमाटर थे, हमने 4 टमाटर इसमें डाला है और अब हम इसे ब्लेंडर की सहायता से क्रश कर लेंगे। ऐसे ही मतलब स्मूथ पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसे नॉर्मली क्रश कर लेंगे। अगर आप ब्लेंडर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे कलछी की सहायता से भी क्रश कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस टमाटर छोटे छोटे काटने होंगे और इसी गरम प्याज में आप जब डालेंगे तो वो अच्छे से आपकी कलछी से भी ये अच्छे से क्रश हो जाएगा। ये देखिए हम इसे नॉर्मली इस तरीके से क्रश कर लेंगे। छोले बनाने के लिए हमने जो चने को भिगोया था वो रात में हमने भिगो दिया था और जब हमने उसे उबाला है तो उसे 3 से 4 सीटी दे करके नमक डाल के उबाला था। आप चाहें तो आप तुरंत के तुरंत ही उबाल सकते हैं, अगर आपने भिगोना भूल गए हैं तो बस उबालते समय आप उसमें 1 चुटकी सोडा डाल दीजिए, बेकिंग सोडा, तो आपका चना तुरंत के तुरंत उबल के तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये पेस्ट यहाँ पे क्रश होकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, छोला मसाला, गरम मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। हमने नमक थोड़ा सा इसमें ऐड किया है क्योंकि हमने उबालते समय चने में नमक डाल रखा है। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसे ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप बहुत तीखा छोला खाना चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। बहुत महीन हमने नहीं किया है, इसे सिर्फ क्रश किया है। देखिए इस तरीके से हम इसे मिला लेंगे और इसके बाद हमने बॉयल करते समय 1 आलू उबाल लिया था, अब हम उस 1 आलू को इसमें अच्छे से मैश करके डाल देंगे। इससे छोला थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे इस तरीके से। हम इसे 1 से 2 मिनट तक इसको इसी तरीके से पकाएंगे चला चला और फिर उसके बाद इसे लिड से ढक देंगे। कुकर को हम बंद नहीं करेंगे, लिड से इसको ढक देंगे 1 मिनट के लिए करीब। 1 मिनट के बाद हम इसे जब खोलेंगे, देखिए हमारा जो मसाला था पूरा वो अच्छे से पक चुका है, इसे अच्छा सा अरोमा आ रहा है। बहुत ही बनाइए और वो अरोमा को फील करिए और बताइए कैसा बन रहा है आपका छोला। ये देखिए हमारा ये मसाला एकदम से रेडी होने वाला है। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है कलर। हम इसे अच्छे से चला लेंगे, जो इसमें आलू है और लहसुन है सब कुछ आपस में मिक्स हो गया है। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप के करीब दही डालेंगे। ये देखिए दही हमने इसमें 1/2 कप डाल दिया और दही जैसे ही डालेंगे, याद रखिए जैसे ही दही डालेंगे तुरंत हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छे तरीके से फेंट देंगे उसमें। अगर हम इसे फेंटेंगे नहीं तो वो दही फटी फटी सी उसमें पिगमेंट्स आ जाएंगे और वो फिर देखने में छोला अच्छा नहीं लगेगा। देखिए इस तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे। देखिए मिक्स हो गया है और इसके बाद अगर आप घी खाने के शौकीन हैं तो घी का यूज़ करिए, अदरवाइज आप बटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून के करीब बटर इसमें डाला है। अमृतसरी छोले हैं तो टेस्ट तो थोड़ा बटरी होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें बटर डाला है 1 बड़ा चम्मच के करीब और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसे करीब 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे पकाते समय हम देखेंगे इसमें किनारे किनारे से तेल छोड़ने लगेगा। ये देखिए तेल अलग हो रहा है हमारा मसाले से, उसका मतलब ये मसाला हमारा एकदम से अब रेडी है। रेडी
मसाले में अब हम जो हमने उबले हुए चने रखे हैं उसका पानी हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि उसमें नमक पड़ा हुआ है, तो हम उसे पूरा पानी के सही थे पूरे चने को इसमें डाल देंगे। देखिए हमने इसे इसमें डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब है ट्रिक, इस छोले बनाने की ट्रिक। जैसे कि मसाला आपने देखा होगा बहुत थोड़ा ही हमने डाला है सब कुछ, 2 चम्मच छोला मसाला और गरम मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। तो हम इस पॉइंट पे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गरम मसाला 1/2 चम्मच इसमें ऊपर से डाल देंगे। देखिए हमने 1/2 चम्मच गरम मसाला इसमें करीब ऊपर से डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुकर को बंद कर देंगे। अब हम इसको 2 से 3 सीटी के लिए छोड़ देंगे। 2-3 सीटी आने के बाद हम जो है कुकर को फिर से अपने आप प्रेशर जब रिलीज होगा तब खोलेंगे। हमने देखिए खोल लिया। अब हम इसे अच्छे से भारी हाथ से दबा दबा के ऐसे चने को, 2-3 चने को उसमें मिक्स करेंगे इस तरीके से। देखिए काफ़ी हैवी हाथ से, और अब ये गाढ़ा होकर एकदम से रेडी है खाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सर्व करने के लिए। आप जैसा चाहें इसे सर्व कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन हमने आज थोड़ा सा सोचा है कि इम्प्रेसिव हो जाए, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से सर्व किया। आप देख लीजिए, मैंने पहले चावल रखा है, फिर ये, फिर प्याज, नींबू, मिर्ची, और ये एकदम से रेडी है खाने के लिए। हमारी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ सजेशन बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हमारे रेसिपीज़ वीडियोस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अभी तक साथ देने के लिए थैंक यू। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।